हम यहां पर इसलवाड़ी गांव में मौजूद है, जहां पर एक लैंडस्लाइड के कारण कहां कल 16 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यहां पर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि किस तरह का रास्ता है, तो कहीं ना कहीं आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि यहां पर ऊपर चढ़ने के लिए इस मौसम में वन वे 2 घंटे लगते हैं। यहां आप देख पा रहे हैं कि जो होमगार्ड्स के जवान हैं कुछ सप्लाईज लेकर जा रहे हैं ऊपर NDRF के लिए, पानी, दवाई और कुछ बिस्किट्स वगैरह। और एक और बार अगर आप वहां पर देखेंगे तो जो छोटे मेकशिफ्ट टेंट्स लगाए गए एक यहां पर एक बेस कैंप पर वर्कर्स के रेडी होने के लिए, ये जो मजदूर आप देख पा रहे हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट और कॉन्ग्लोमरेट से आए हुए हैं, रिलायंस, LNT वगैरह जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां। जैसे कि मैंने कहा कि शाहपुर जी पालन जी के भी कुछ वर्कर्स हैं, हाथ में फावड़ा वगैरह हथौड़ा वगैरह लेकर जाते हुए ये सारे जो है कंस्ट्रक्शन साइट के मजदूर हैं, जिन्हें पता है कि ये जो डेबरी जिसके नीचे 100 से अधिक लोग अभी भी अटके हुए हैं, इसके साथ कैसे डील करते हैं। वो हाथ से मैन्युअली हर एक चीज निकालनी पड़ेगी उनको, कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि इस जगह की जो है किस तरह की तकलीफें हैं और चैलेंजेस हैं यहाँ पर। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर खड़े रहने के लिए भी ढंग से जगह नहीं मिल पा रही है और लोकल्स जो है पूरी तरह सहायता में जुटे हुए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि कल रात को तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उन पर रोक लगाई गई थी, लेकिन मेरे पीछे फिर एक बार अगर आप देखेंगे तो और कितने मजदूर जो है ऊपर जाने के लिए तैयार है। बस अभी वो अपना खाना खाते हुए और दिन भर ऊपर रहेंगे जब तक अंधेरा नहीं हो जाता और हर एक इंसान की बॉडी या उनका शव बाहर निकाला नहीं जाता। कैमरामैन राजू इनामदार के साथ देव कोटक, आज तक, रायगढ़।